हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक नए प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे जिसका नाम है प्राइम नंबर। यानी कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन में जो ये चेक करके बता सके कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो प्राइम है या नहीं। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद ही हम उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम बनाने के लिए हमें IDLE को ओपन करना पड़ता है, तो हम पाइथन की जो IDLE है उसको ओपन करेंगे जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। हम लोग फाइल मेनू पे जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हमें समझना होगा कि प्राइम क्या होता है। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि प्राइम क्या होता है। तो प्राइम होता है वो नंबर, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से डिविजिबल हो और इट सेल्फ से। यानी कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 1 और इट सेल्फ से ही डिविजिबल है। अच्छा, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो कि नंबर प्राइम वो होता है जो 1 और इट सेल्फ से हो, तो आप थोड़े से गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 और इट सेल्फ से दुनिया का कोई भी नंबर है जो डिविजिबल होगा। यानी कि हर नंबर 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल होता है। तो आपको प्राइम के लिए एकदम करेक्ट बोलना पड़ेगा। वो ये है कि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और इट सेल्फ से हो, इसके अलावा किसी और नंबर से ना हो। क्योंकि अगर आप इतना नहीं बोलते हो तो आपकी डेफिनेशन अधूरी है और आप जो लॉजिक क्रिएट करोगे वो भी अधूरा हो जाएगा। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि प्राइम क्या होता है। यानी कि प्राइम वो नंबर होता है जो 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि यूज़र ने जो नंबर डाला है, जैसे कि 5, क्या ये नंबर सिर्फ 1 और इट सेल्फ से ही डिविजिबल है या इसके अलावा किसी और नंबर से भी है। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे? तो सिंपल सा है, हमें डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। यानी कि 1 से लेके उस नंबर तक जो नंबर यूज़र ने डाला है, हमें सभी को 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर है 1 से लेके उस नंबर तक, सभी नंबरों से उस नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे कि 5 है तो हमें देखना पड़ेगा 5/1 डिविजिबल है या नहीं, 5/2 डिविजिबल है कि नहीं, 5/3 डिविजिबल है कि नहीं, 5/4 डिविजिबल है कि नहीं, और 5/5 डिविजिबल है कि नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि 5/1 किया जाए, 5/2, 5/3, 5/4 और 5/5 किया जाए, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो इस नंबर 5 को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 5 की बात करें तो ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स होगा, एक तो 1 के लिए और ऐसा 5 के लिए। यानी कि सिर्फ ये 2 टाइम्स ऐसा होगा जहाँ पर 5 को डिवाइड किया जाएगा। तो इस बेसिस पर अगर किसी नंबर को सिर्फ 2 टाइम्स ही डिवाइड किया जाता है और वो 2 टाइम्स 1 और इटसेल्फ होगा, तो वो नंबर प्राइम होगा। तो इस चीज़ को हमें लॉजिक में करना है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा लॉजिक कुछ ये सारा कर रहा है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल है क्या, क्या इसके अलावा किसी और से है या नहीं। तो अगर हम इसका लॉजिक देखें तो हम सिंपल अगर ये पता लगा लें कि वो नंबर कितने नंबरों से डिवाइड हुआ, बहुत ध्यान सुनना इन सारी चीज़ों को क्योंकि यही आपको लॉजिक तक पहुंचाएंगे। तो हमें पता लगाना है कि इस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। हमें पता लगाना पड़ेगा कि ऐसे कितने नंबर हैं जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस नंबर को कितने नंबरों ने डिवाइड किया, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। क्योंकि अगर उस नंबर को सिर्फ 2 नंबरों ने डिवाइड किया होगा तो वो नंबर प्राइम होगा, अगर 2 से ज़्यादा नंबरों ने डिवाइड किया होगा तो वो प्राइम नहीं होगा। तो देखते हैं ये काम हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक और प्रोग्राम का जो प्रोसेस है, प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट लेना होता है। तो हम सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लेंगे जिसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो हमने लिखा एन इंट ब्रैकेट में इनपुट और ब्रैकेट में एक मैसेज देंगे एंटर अ नंबर। तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया एंटर अ नंबर, इसके बाद हम इनपुट ले लिया। अभी हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि हम 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबरों से उस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में रिपीटिशन है और इसके लिए हमें लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, तो फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में लिखेंगे 1, n+1, क्योंकि आपको पता होगा कि लूप एक कम चलता है। सो हमने 1, n+1 चलाया और यहाँ पर लिख दिया कॉलन साइन। तो ये लूप 1 से लेके उस नंबर तक पूरा चल पाएगा जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर आता है जो n को डिवाइड करता है।
तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यदि नंबर को डिवाइड करके देखा जाए और कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप इफ़ में हो और आपको किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेकआउट करनी है, तो उस केसेस में हम डिवाइड का साइन यूज़ नहीं बल्कि मॉडुलस का साइन यूज़ करते हैं। रीज़न इसका ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो कोसेंट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग होती हैं, लेकिन रिमाइंडर ज़ीरो ही होता है अगर वो नंबर उस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमें कोसेंट वैल्यू तो पता नहीं होती है कि कब किस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना कोसेंट आएगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उसकी पहचान होती है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। सो जब भी आप कभी कंडीशन में हो और आपको डिवाइड का कोई लॉजिक लगाना हो तो हमेशा उस कंडीशन में मॉडुलस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर ही हमें यह बता सकता है कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एन मॉडुलस आई इक्वल इक्वल ज़ीरो, क्योंकि इक्वल इक्वल लिख रहे हो, जीरो से क्या हो जाएगा, अगर ये डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो इस साइड भी जीरो लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन बता पाएगी कि ये नंबर इस आई वाले से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने इसलिए यहाँ पर कंडीशन बनाया इफ़ एन मॉडुलस आई इक्वल इक्वल ज़ीरो। अब हम करेंगे क्या, कंडीशन के ट्रू होने पर हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना है और हमें यहाँ पे प्रिंट करके अभी नहीं बता सकते कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि जब ये लूप चलेगा तो ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी, यानी कि ऐसा कितनी बार होगा जब आई उस एन को डिवाइड कर सके। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगेगा कि कितनी बार ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इस काम को करने के लिए हम एक काउंटर वेरिएबल लेंगे, हम ऊपर एक वेरिएबल लिखेंगे जिस सी नाम का सपोज़, इसको हम जीरो से इनिशियलाइज़ कर देंगे, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो दे देंगे और हम इसके अंदर लिख देंगे सी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। ऐसा करने से क्या होगा, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब सी की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी वजह से जब जब ये कंडीशन ट्रू हुआ करेगी तब तब सी की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा इस लूप के चलते कि आखिर में ये कंडीशन कितनी बार ट्रू हुई, क्योंकि ये कंडीशन उतनी बार ही ट्रू होगा जितनी बार आई एन को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि उस नंबर के फैक्टर कितने हैं, क्योंकि अगर फैक्टरों की संख्या सिर्फ टू है, वन और इट्सेल्फ, तो वो नंबर प्राइम है, और अगर फैक्टर की संख्या दो है, टू है, तो इसका मतलब है कि वो वन और इट्सेल्फ ही होगा, क्योंकि हर नंबर वन और इट्सेल्फ से ज़रूर डिविजिबल होता है, इसके अलावा वो किसी और से भी हो सकता है, पर अगर वो प्राइम हुआ तो सिर्फ टू टाइम होगा वन और इट्सेल्फ। तो यहाँ पर जो भी होगा सी इंक्रीज कर जाएगा, तो जो भी जितने भी फैक्टर बने होंगे उस नंबर के वो सी को पता होगा, यानी कि सी की जो वैल्यू होगी 2, 3, 4 वो हमें बताएगी कि वो नंबर के फैक्टर कितने हैं। तो इसके बेसिस पर हम रिजल्ट को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम एंटर करने के बाद लूप से बाहर आ जाएंगे और एक कंडीशन लगाएंगे कि यदि, यानी कि इफ़ सी में जो भी वैल्यू है वो अगर 2 के इक्वल है, हमें नहीं पता कि सी में क्या वैल्यू है, पर अगर सी में पड़ी वैल्यू वैल्यू 2 के इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि अगर सी में 2 आया है इसका मतलब उसके सिर्फ दो फैक्टर निकले, वन और इट्सेल्फ। तो हम ये प्रिंट करा सकते हैं कि इनपुट किया गया नंबर प्राइम है, तो हम यहाँ प्रिंट में मैसेज देंगे नंबर इज़ प्राइम कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पर एक एल्स लगा सकते हैं और एल्स में लिख देंगे प्रिंट ब्रैकेट में नंबर इज नॉट प्राइम। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर इज नॉट प्राइम कुछ इस तरीके से। तो ये जो इफ एल्स है आपको ध्यान रखना है कि ये जो इफ एल्स है उसको इस फॉर से कनेक्ट नहीं करना है, ये जो इफ एल्स है वो फॉर से बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर ये जो फॉर लूप है ये हमें चेक करके बता रहा है, काउंट करके बता रहा है कि कितने फैक्टर मिले, और नंबर ऑफ फैक्टर के बेसिस पर हम यहाँ पे जज कर रहे हैं कि यदि सी इक्वल टू है, यानी कि यदि फैक्टरों की संख्या टू है तो वो नंबर प्राइम है, नहीं तो वो नंबर प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर सी इज़ अ काउंटर वेरिएबल जो यहाँ पे काउंट कर रहा है कि उस नंबर के कितने फैक्टर मिले।
तो कुछ इस तरीके से प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनेगा। हमने नंबर का इनपुट लिया, फिर यहाँ पर इस फॉर लूप से ये क्रॉस चेक करने की कोशिश करी कि उस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड किएगा। यहाँ पर एन मॉडुलस आई का मतलब है अगर हमने एन में 5 एज्यूम किया है तो यहाँ तो 5 ही रहेगा, लेकिन हर बार आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 5 मॉडुलस 1, नेक्स्ट टाइम 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 3, 5 मॉडुलस 4 और 5 मॉडुलस 5। तो इन पांचों बार में सिर्फ 2 टाइम ऐसा होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो, और वो टाइम कौन सा है, 5/1 और 5/5। तो ये सिर्फ 2 केसेस में कंडीशन ट्रू होगी, तो सी को 2 बार बढ़ने का मौका मिलेगा। सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 का मतलब है कि हर बार सी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और सी की वैल्यू 1 से अपडेट होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस 1, तो सी की जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 होगा और जो करंट रिजल्ट है वो वापस सी में चला जाएगा, जिसकी वजह से सी अपडेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस फॉर लूप में ये चेक किया जा रहा है कि उस नंबर के फैक्टर कितने हैं, एक संख्या काउंट की जा रही है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। देन फिर इफ एल्स में यहाँ पर लॉजिक चेक किया, चेकआउट किया जा रहा है, यहाँ पर जज किया जा रहा है कि यदि ऐसा कुछ है तो नंबर प्राइम, नहीं तो नॉट प्राइम। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोग्राम है जो प्राइम नंबर के प्रोग्राम को शो करता है। हम इसको एक बार रन करके देखेंगे कि क्या ये प्रोग्राम चल पा रहा है कि नहीं, तो हम F5 प्रेस करेंगे, क्योंकि सेव करने शॉर्टकट जो है रन करने का वो F5 होता है। यहाँ पर हम सेव करेंगे, हम इसका नाम देते हैं प्राइम। तो ये हमारा पाइथन सेल है जहाँ पर हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पर मांग रहे हैं एंटर नंबर, तो हम यहाँ पे देते हैं 7, क्योंकि 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो हमने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर आया नंबर इज़ प्राइम। एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं, हमने F5 प्रेस किया, अब की बार हम यहाँ पे देंगे 12, क्योंकि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ये क्रॉस चेक करके दे सकता है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।